क्या आप ग्राफडोर का डायवर्टर लगा रहे हैं? तो एक मिनट रुक जाइए, पहले इस वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो आपके साथ भी ये घटना हो सकता है, टायर लगा करके तोड़ना पड़ सकता है। तो फटाफट से इस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद तसल्ली से आप लोग ग्राफडोर का डायवर्टर लगा सकते हैं, क्योंकि पहले आप लोग ने लगाए होंगे हिंदवियर का और जैकवार का, तो वो ऐसा नहीं है, इसका उल्टा सिस्टम है, जो मेरे साथ आज ये घटना घटा है। तो आप लोग फटाफट से पहले इस वीडियो को देख लीजिए, इसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है और मैंने कंपनी वाले के साथ में होकर के मैंने इस फिटिंग को पूरा किया है, तब जा करके अभी सही लगा है। तो फटाफट से यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो टेक्निकल गूगल बाबा को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटी के बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो हमारा मिलता रहे। और आप लोग फटाफट से कमेंट में जाकर के कमेंट कर सकते हैं कि जो हम वीडियो बनाते हैं वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है या हम लोगों की जानकारी से आप लोग संतुष्ट हैं, तो ये कमेंट में जाकर के कमेंट लिख सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अभी कमेंट कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद, तो फटाफट से अभी जाइए और कमेंट कीजिए। और मैं आप लोगों को अभी कम्प्लीटली वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ ग्राफडोर का, जिसमें आप लोग तसल्ली पूर्वक इसको समझ करके आसानी से आप लोग ये जो ग्राफडोर का डायवर्टर है वो लगा सकते हैं। तो आप लोग चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया आपका स्पोर्ट, ये और ये आपका मोटर का है, मोटर मतलब जो डायरेक्ट वाला सुबह शाम वाला आता है, और ये हो गया आपका टंकी, स्पोर्ट वाला ऐसे घूम करके जाएगा, और शावर ये हो गया, इस शायद आपका गीजर है। आप बताओ तो कैसे आदमी समझ में आएगा? गीजर है ये वाला ना, ये बहुत गलत बना, गलत नहीं बनाया है, इस पे लिखना चाहिए, इस पे लिखना चाहिए, हाँ डायवर्टर पे लिखा रहता है। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।